तो आइए मित्रों, आज हमारे पास एक बच्चा आया है। इस बच्चा का कुछ लुक हमको अजब गजब लग रहा है। ये हमारे छात्र हैं। इस कैमरा मैन सीधा कैमरा करके उधर भी दिखाई, हमारे पास छात्र बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट अभी चल रहा है? आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आइए मित्रों, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। जनसंख्या कुछ कम है। कैमरा मैन थोड़ा सा और नजदीक कीजिए। तो ये भी बच्चा आया है हमारे पास पढ़ने के लिए। इस बच्चा का लुक थोड़ा सा हमको दूसरा टाइप का लग रहा है। इनसे क्या कैसा है, क्यों करवाया है, शादी ब्याह करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इनसे अभी पूछा जाएगा। ए बच्चा, वहीं पर रुको, वीडियो बनना। इधर आइए, ऊपर आइए। नॉट कमिंग, स्टैंड देयर। वहीं पर खड़ा रहिए, कोई बात नहीं, इंटरव्यू चल रहा है। बट आप दांत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दांत दिखा सकते हैं। थोड़ा सा दिखाइए दांत। ये दांत नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इनका दो दांत ऐसे हैं और दो दांत ऐसे हैं। कोई बात नहीं, नाम क्या है? मुंह खोल के आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है रवि किशन। पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, चलिए, गजब मुखिया। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, जो ऐसा बाल, आप इस बाल को कौन सा कटिंग कहते हैं? मुर्गा कटिंग। इसको मुर्गा कटिंग कहा जाता है। आप हमको बताइएगा, कहे कि इंटरव्यू आपका चल रहा है यहाँ पे, राइट? सही बात है। आपने मुर्गा कट क्यों कटवाया? अच्छा, इनका बोला, भैया बोला है मुर्गा कट कटवाने के लिए, है ना? अच्छा बताइए, रवि किशन को जानते हैं? हीरो है वो। आप क्या बनना चाहते हैं? आप दरोगा बनना चाहते हैं? आप बताइए, आपको जो सभी लोग देख रहा है वहाँ, आपको मान लीजिए 10-20 आदमी कहेगा कि भाई साहब अभी आप बच्चा हो, आप मुर्गा कट नहीं कटवाइए, तो क्या आप कटवाइएगा? नहीं ना कटवाइएगा। सबसे पहले आप क्या बनिएगा? अच्छा, दरोगा बन के घूसो उसो लीजिएगा? नहीं, जो मुंह से बोलिए ना, नहीं। अच्छा, दरोगा जब बनिएगा तब तो आपके पास वो बंदूक होगा, गुस्सा चढ़ेगा तो बंदूक ककरो मारबो करिएगा? ककरो नहीं मारेंगे। जोर से बोलिए, वहाँ तो सुन रहा है। आप बताइए, तो घूस घास नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा, दरोगा बनिएगा तो कौन गाड़ी लीजिएगा? पैदले जाइएगा? आप कहीं भी पैदले जाइएगा? तो कथी लीजिएगा? मोटरसाइकिल लेंगे। चलिए। एक ईमानदार दरोगा जैसा मुझे लग रहा है, पर एक मोटरसाइकिल ले लेंगे। अच्छा, दरोगा बन के आप बनिएगा तो मम्मी पापा को सेवा करिएगा? आप अपने मम्मी पापा को सेवा करिएगा कि बगल वाली मम्मी पापा को? बगल वाली का नहीं, बगल में जो मम्मी पापा है उनको सेवा नहीं करेंगे, अपने मम्मी पापा को सेवा करेंगे, है कि नहीं? अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन सा कोचिंग आए पढ़ने के लिए? असम मिशन। आप हमको जानते हैं? अरे ये तो बेइज्जती वाली बात है भाई, आप हमको नहीं जानते हैं। अरे चलिए, हमारी बेइज्जती हुई है, कोई बात नहीं। तो आप पढ़ते कहाँ हैं? यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं ना, मेरा नाम नहीं पता है। मेरा नाम क्या है भाई? पिक्के ब्रो। परशुराम ब्रो। मेरा नाम क्या है, जोर से बोल दो। परशुराम सू कह रहा है। परशुराम ब्रो, आइए कैमरा मैन नजदीक करके दिखाइए, मेरा नाम क्या है बोलिए। जोर से बोलिए ना, बोलिए परशुराम ब्रो। परशुराम ब्रो। अच्छा, यह पता चल रहा है
इससे यह पता चल रहा है ये मेरा छोटा सा विद्यार्थी है, इनको सही से मेरा नाम पता नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि हम आपको नहीं जान पा रहे हैं। इनफैक्ट इनका इनके लिए अलग से टीचर है, व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करवाए। देखो कैमरा मैन वो स्थान देखो, कौन सा स्थान पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े बच्चों के लिए किधर पढ़ाया जाता है, इधर आओ, हाय मारो, इधर आओ कैमरा मैन, इधर इधर आई। तो इनको मेरा नाम मतलब कह लेंगे, कुछ देर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा नाम कह लेंगे। और मुझे भी लग रहा है कि मेरा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परशुराम ब्रो कहने में बहुत सारे सिंगर को भी मैं देखता हूँ, जब किसी को मैं मैसेज करता रहता हूँ, कमेंट करता रहता हूँ, तो थोड़ा सा पशु ऐसे करके वो नाम लेते रहते हैं, तो मेरा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा यहाँ पे पढ़ते तो आपको लगता है कि हमको नौकरी हो जाएगा, पक्का ना? मुँह से बोलिए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप इधर घूमिएगा, इधर घूमिएगा, थोड़ा सा आप पीछे से लीजिए, तो थोड़ा सा आप अंदर में पहने हैं सारा कुछ कोई बात नहीं, आप इस बच्चा को कहीं ना कहीं उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है ये बच्चा कुछ ना कुछ भविष्य में आगे जाके जरूर करेंगे, क्योंकि अपना नाम बता रखा है रवि किशन, नहीं अब वो हर हर महादेव, नहीं अरबाऊ कैसे अरबाऊ जिंदगी झंडवा और फिर भी चलिए थैंक यू सो मच। इस बच्चा के लिए बताइए कि बच्चा भविष्य में आपकी बच्चों को इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या बच्चा आगे जाकर कुछ कर सकता है, बच्चा में यदि कुछ टैलेंट है तो अवश्य आप इस कमेंट के माध्यम में इस बच्चा को सजेस्ट कर सकते हैं, यदि आप लोग सजेस्ट करेंगे तो ये मुर्गा कटवाना छोड़ देंगे, सही बात है कि नहीं? और बच्चा तैयारी करेंगे, आगे जो भी कुछ करेंगे लाइफ इनका सक्सेस रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। बहुत अच्छा बोल रहा है, बोले तो सब्सक्राइब बहुत अच्छा, चलिए वीडियो बनाइएगा। आप बताइए, आप उन लोगों को बोलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा, जोर से बोलिएगा तब ने सब्सक्राइब करेंगे। आप बोलिए कि जिस दिन हम कुछ बनेंगे तो इसी चैनल पर आकर हम आप लोगों को बनकर दिखाएंगे, जिस दिन हम कुछ बनेंगे तो इसी चैनल पे उसको मत देखिए, इसी चैनल पर आकर आप लोगों को दिखाऊंगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इस बच्चों का डिक्शन है, इस बच्चा का परफॉर्म यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस बच्चा के लिए प्लीज इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर लगा दीजिए, और वीडियो को थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।